हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे सी टेक चैनल में। आज मेरे पास एक सीपीयू है जिसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है। देखिए, यदि मैं इसको ऑन करता हूं तो डिस्प्ले नहीं आ रहा है। जैसे ऑन करता हूं इसे, देखिए ऑन तो हो गया है लेकिन इसके डिस्प्ले पे कुछ भी आ नहीं रहा है, बिल्कुल ब्लैंक है। और यहाँ पर कंप्यूटर भी ऑन है, तो देखता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो इसका रैम है, इसका जो रैम मैं इसे निकालता हूँ। तो पहले बंद कर लेता हूँ इसे, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसी में बंद कर लिया। इसका रैम है, तो रैम का जो पॉइंट होता है, सबसे पहले इसका रैम। अभी मुझे भी नहीं पता कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं पहली बार ओपन कर रहा हूँ। किसी कस्टमर का कोई दे गया सही करने के लिए, तो देख रहा हूँ। तो इसका रैम का जो ये जो पिन है, इसे इरेजर से मैं साफ़ करूँगा। और इसका जो रैम स्लॉट है, इसे ब्रश में, जैसे कि ये ब्रश होता है जिससे टूथब्रश होता है, इससे पेट्रोल इसमें लगा कर और इसे साफ़ करूँगा। इसको साफ़ करके रैम को रेजर से साफ़ करके फिर इसको लगा के देखता हूँ चलता है कि नहीं चलता है। तो मैं साफ़ कर लेता हूँ। बेझिझक इसे आप ब्रश से साफ़ कर सकते हैं और इसे थोड़ा देर सूखने लीजिएगा ताकि इसका जो पेट्रोल होता है वो सूख जाए। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। सूख जाने के बाद इसमें देखिएगा रैम का जो कट है, इसमें कट बना होगा और यहाँ पर भी एक इसमें कट होगा। तो आप ध्यान से इसको इस तरह से कट बाई कट इसको मिलाकर देखिएगा, कट से कट मिले मैच हो, और इस तरह से आप रख कर और ये दबाइएगा तो ये दोनों का लॉक ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो बीच से दबाइए तो देखिए ऑटोमेटिक ये लॉक लग जाएगा। तो उसके बाद में फिर अब इसे हम सीपीयू का बटन, पीछे से पहले पावर सप्लाई ऑन करते हैं, उसके बाद में सीपीयू का बटन दबाते ऑन करते हैं। देखिए फैन चल पड़ा, ऑन हो गया। और डिस्प्ले देखते हैं आता है कि नहीं आता। तो डिस्प्ले देखिए, डिस्प्ले आ गया और F2 कंटिन्यू। तो हार्ड डिस्क वगैरह का देखें, बूटेबल डिवाइस का प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए हार्ड डिस्क का जो है, हार्ड डिस्क का केबल जो है इसमें मैंने निकाल रखा है। तो इसको मैं दो तीन बार, कभी कभी ऐसा होता है कि रैम वगैरह साफ़ कीजिएगा तब पर भी नहीं चलेगा। तो हार्ड डिस्क का केबल वगैरह निकाल लीजिएगा और उसके बाद में दो तीन बार साफ़ कर लीजिएगा। इसमें लगना को कुछ नहीं है। 70% ज़्यादातर प्रॉब्लम जो डिस्प्ले का होता है वो रैम साफ़ करने की वजह से ही होता है। रैम साफ़ करने से सही चल जाता है। रैम साफ़ करते हैं या फिर कॉम से जो बैटरी है उसको निकाल कर दोबारा लगाते हैं। दो तीन चीज़ कर लीजिए, प्रोसेसर वगैरह चेंज करके देख लीजिए, रैम चेंज करके देख लीजिए। यदि नहीं चलता है तो आप किसी जानकार को दिखा लीजिए, यदि वहाँ से नहीं होता तो बोर्ड भी कोई खास महंगा नहीं आता, आप नया बोर्ड इसमें खरीद के लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।